नमस्कार दोस्तों आप सभी का पाठशाला रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपको पता है डेली हमारी क्लास चलती है शाम को नौ बजे और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ यहाँ पर एल पी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 22 जनवरी 2019 को ठीक है उस क्वेश्चन पेपर के 30 क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी कल वाले वीडियो में करवा चुका हूँ ठीक है और आज हम इकतीस से कंटिन्यू करेंगे उन क्वेश्चन को और आज उनको सॉल्व करेंगे ठीक है तो सबसे पहले तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ठीक है सभी को गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जल्दी से फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को ठीक है तो पेपर हमारा कंटिन्यू है ठीक है सभी को गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग बलजीत जी कह रहे हैं सर आप दो मिनट लेट हो गए बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा ऑन होने में टाइम लगता है चलिए तो करें स्टार्ट हम लोग ठीक है चलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों सबसे पहले तो हम फाउंडेशन बेच की बात कर लेते हैं जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं माई पाठशाला ऐप डाउनलोड करिए वहाँ पर आपको ये कोर्स जो है मिल जाएगा ठीक है और ये जो कोर्स है बच्चों इलेक्ट्रिशियन वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक तीनों ट्रेड के लिए हमने लॉन्च किया है जिसमें आपको हम क्लासेस और क्वेश्चन का जो है पी देंगे ठीक है बायोलैंग्वल चलेगा दोनों लैंग्वेज में हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी और बायो में ही आपको पूरी थ्योरी मिलेगी बच्चों ठीक है उसके बाद है डिटेल्ड कंटेंट मिलेगा बच्चों डिटेल कंटेंट आपको मिलने वाला है यानी आपका जो आर uh, आर और जो टेक्नीशियंस की वैकेंसी होती है उसके रिगार्डिंग पूरा आपको सिलेबस यहाँ पर मिलेगा ट्रेड का आपकी ट्रेड का पूरा थ्योरी आपको यहां मिलेगा और बेस्ट न्यूमेरिकल अप्रोच आपको यहां पर हम प्रोवाइड करवाएंगे ठीक है और बच्चों प्राइस तो वैसे वन थाउजेंड यानी नाइन 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 है लेकिन अभी जो ऑफर प्राइस है वो केवल सिक्स नाइन है तो अगर आप ट्रेड थ्योरी की क्लास लेना चाहते हैं तो आप जरूर माई पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए ठीक है बच्चों चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी आपको पता है फाउंडेशन बेस्ड के अंदर योगी सर की क्लासेस भी चल रही है ठीक है योगी सर जो क्लास ले रहे हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के ले रहे हैं सेम फीचर्स हमारे यहां पर भी है तो आप लोगों को पता ही होगा जो बच्चे क्लास ले रहे होंगे ठीक है चलिए हाँ बिल्कुल प्रियंका पटेल कह रहे सर लाइव में बिल्कुल हम प्रैक्टिस ही करने वाले हैं ठीक है और बीच बीच में कुछ थ्योरी आएगी तो वो भी डिस्कस करेंगे ठीक है बच्चों चलिए हाँ अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन से ठीक है बच्चों अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना क्वेश्चन नंबर 31 से कहानी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से हम आपकी स्टोरी स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चन की ठीक है चलिए बच्चों सभी को गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग सुनो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शोक वाइल वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी बिजली के कार्य के दौरान जो निम्न में से एक बिजली के झटके से बचाता है बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जैसे आप कोई तार जोड़ भी रहे हैं दो तार ठीक है दो तार को आप जोड़ रहे हैं और आप सीढ़ी पर खड़े होंगे ठीक है और सीढ़ी लगाओगे कहाँ पर धरती पर ही रखोगे ठीक है और आप अगर यहाँ पर खड़े होकर के इन तार को जोड़ रहे हो तो इन तारों से जो धारा है वो आपके शरीर से होकर के सुनो तार से होकर के आपके शरीर से इस सीढ़ी से होती हुई धरती में जा सकती है कब अगर ये चालक होगी तो अगर ये क्या होगी चालक है ना अगर ये चालक हुई तो धारा जो है आपके शरीर से होकर के इस सीढ़ी में होती हुई कहा चली जाएगी धरती में ठीक है तो आपको इलेक्ट्रिक शॉट लग जाएगा यानी आपको क्या लगेगा बच्चों विद्युत का झटका लगेगा विद्युत का क्या लगेगा आपको झटका लगेगा ठीक है तो हमेशा एक बात ध्यान रखना जब आप टेक्नीशियन बन भी जाए तो आप अगर बिजली के कार्य करें तो हमेशा सूखी लकड़ी की सीढ़ी पर खड़े होकर ही करें सूखी लकड़ी जो होती है उसकी क्या होनी चाहिए सीडी होनी चाहिए समझ गए मेरी बात को सूखी लकड़ी की जो सीडी होती है उस पर विद्युत के कार्य किए जाते हैं ड्राई वुड आपने देखा होगा जो बिजली वाग वाले होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के उनकी जो गाड़ी होती है उसके ऊपर एक लकड़ी की सीडी होती है आपने देखा हो तो है ना तो लकड़ी की सीढ़ी जो होती है उसका हम लोग यूज करते हैं ठीक है बच्चों चलिए जी बिल्कुल थ्योरी एप पर ही मिलेगा आपको निश्चिंत रहिए आप ठीक है तो सूखी लकड़ी वेट अगर बच्चों वेट वुड ले लोगे वेट का मतलब क्या होता है गीली अगर गीली ले लोगे भैया तो गीली लकड़ी में क्या होगा धारा प्रवाहित हो जाती है आपने पढ़ा होगा सुना होगा कि जल के साथ अगर गीली लकड़ी होती है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो आपको उसमें विद्युत का झटका लग सकता है वेट रोप बच्चों इसमें भी आपको विद्युत का झटका लग सकता है और मेटल की रोड अगर धातु की रोड है तो भी आपको लग सकता है ये रोड रोड वाला रोड नहीं है ये रोड रोड वाला ये रोड है ठीक है चलो बच्चों बात समझ गए क्या राइट right. तो ये कहानी थी इस वाले क्वेश्चन की चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर ठीक है थ्योरी आज एप पर भी नहीं हुई भाई एप पर चली रही आपकी थ्योरी और थ्योरी चल रही मतलब चली रही ठीक है निश्चिंत रहिए चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं अगला है थर्टी टू पर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंड शोन इन द गिवन फिगर बच्चों सेंड नहीं है मैं करता हूं इसको बढ़िया आप इधर देखिए यहां रेती की बात चल रही है बच्चों किसकी बात चल रही है रेती रेती मतलब यहां पर फाइल की बात चल रही है फाइल है ना रेती मतलब फाइल अब सुनो मेरी बात बच्चों ठीक है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइल शोन इन द गिवन फिगर इस चित्र में जो है आपको एक फाइल दिखाई गई है रेती दिखाई गई है तो उस फाइल की आपको बतानी कौन सी वाली फाइल है ठीक है तो बच्चों सबसे पहले कह रहा है रास्प कट फाइल है ना एक मिनट रुकिए आप लोग रास्प कट फाइल है ना चलिए अगर मैं बात करूं आपसे बच्चों तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें रास्प कट कैसी होती है बता देता हूं रास्प कट जो होती है बच्चों इस तरीके की होती है देखो इधर जैसे ये आपकी फाइल है ना तो रास्प कट में क्या होता है इस तरीके के गोलाकार कट होते हैं इस तरीके के ठीक है ये रास्प कट होती है ये रास्प कट आपकी फाइल होती है रेती होती है ठीक है सिंगल कट में क्या होता है बच्चों सिंगल कट होते हैं सिंगल कट जो होती है उसमें सिंगल कट होते हैं इस तरीके से बड़े ध्यान से सुनना आप लोग इस तरीके से और ये लगभग कितने डिग्री पर होते हैं लगभग साठ डिग्री पर होते हैं डबल कट है बच्चों देखो डबल कट है एक एक ये कट भी है और इसमें ये कट भी है तो ये कौन सी कट है आपकी ये डबल कट वाली रेती है और एक वक्राकार होती है बच्चों वक्राकार जो होती है ना वो इस तरीके से होती है उसमें वक्र के आकार के कट होते हैं इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके ये हो समझ गए मेरी बात को तो मैंने आपको चारों तरह दिखा दी है बात समझ गए बच्चों ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको ध्यान रखनी है ठीक है तो किस प्रकार की फाइल होगी ये आपकी डबल कट फाइल होती है अगले क्वेश्चन पर आते हैं ठीक है पॉजिटिव प्लेट ऑफ अ निकल आयरन सेल आर मेड ऑफ निकल आयरन सेल जो होता है बच्चों जो शारिय सेल होता है ध्यान रखना यह शारिय सेल होता है कैसा सेल होता है ये आपका शारिय सेल होता है शारी एल्कालाइन शारिय सेल होता है जिसको हम लोग एल्कालाइन सेल बोलते हैं एल्कालाइन सेल ठीक है तो निकल आयरन सेल की धनात्मक प्लेट किसकी बनी होती है बच्चों धनात्मक प्लेट अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर क्या होता है सुनो जो धनात्मक प्लेट होती है पॉजिटिव प्लेट और एक कौन सी होती है नेगेटिव प्लेट होती है तो पॉजिटिव प्लेट जो होती है वो निकल हाइड्रोक्साइड की बनी होती है किसकी बनी होती है निकल हाइड्रोक्साइड की होती है बड़े ध्यान से सुनना निकल हाइड्रोक्साइड की होती है और निकिल hydrox, आप हाइड्रोक्साइड आपका क्या होता है Nioh का होल ट्वाइस बोलो बच्चों बात समझ गए क्या निकिल हाइड्रोक्साइड ठीक है आगे बढ़े अगले पॉइंट पर क्या था नेक्स्ट है ना चलो आगे बढ़ते हैं उसके बाद आता है नेगेटिव नेगेटिव में क्या होता है बच्चों आयरन हाइड्रेट होता है आपका क्या होता है आयरन एफ ई ओ एच का होल ट्वाइस ठीक है उसके अलावा मैं आपको बताऊं जो बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये यहां पर विद्युत अब होता है ये क्या होता है आपका विद्युत अब इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रो लाइट बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट बोलते बोलते ठीक है थीके? तो ये कहानी है इसकी कौन से निकल आयरन सेल की जिसको निफे सेल भी बोलते हैं और आपको एक बात और बता दूं बच्चों इसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है इसका आंतरिक आयरन है ना तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है बच्चों इसका उच्च होता है ये इसकी कमी होती है ठीक है आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको सब कुछ पता होगा समझ गए बच्चों बात को राइट right. चलो तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी आपका एकदम शानदार हो गया होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पर थर्टी फोर पर अब सुनो मेरी बात को बच्चों यहां क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टर्स कैन नॉट बी यूज इन डीसी मोटर कौन सी मोटर बोल रहा है बच्चों डीसी मोटर ठीक है डीसी मोटर में निम्नलिखित स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता इनमें से किस स्टार्टर का प्रयोग डीसी मोटर में नहीं किया जा सकता तो मैं आपको बता दूं बच्चों ध्यान रखना आप लोग ये जो देल्ता, स्टार्थ देल्ता स्टार्थ स्टार टर डेल्टा स्टार टर डेल्टा स्टार्टर नॉट द स्टार्टर बच्चों स्टार डेल्टा स्टार स्टार डेल्टा स्टार्टर है स्टार स्टार्थ 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 न, ना स्टार डेल्टा स्टार्टर जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है ना सुना होगा नाम आपने स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है यह थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर के लिए काम आता है किसके लिए काम आता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर इंडक्शन मोटर मतलब प्रेरण मोटर के लिए किसके लिए काम में लेते हैं बच्चों प्रेरण मोटर के लिए ठीक है उसके अलावा मैं आपको अगर एक बात बता दूं टू पॉइंट थ्री पॉइंट और फोर पॉइंट ये जो स्टार्टर होते हैं ना ये किसके लिए काम आते हैं बच्चों डीसी मोटर के लिए काम आते हैं बात समझ गया क्या ठीक है थ्री पॉइंट और फोर पॉइंट थ्री पॉइंट और फोर पॉइंट जो होता है बच्चों ये शंट के लिए काम आता है शंट और कंपाउंड में काम में लेते हैं शंट के अंदर काम में लेते हैं शंट मोटर और जो टू पॉइंट होता है बच्चों ये श्रेणी मोटर के लिए काम आता है टू पॉइंट जो आता है वो किसके लिए काम आता है डीसी सीरीज यानी श्रेणी मोटर के लिए काम आता है बात समझ गए क्या बच्चों राइट right. बात समझ गए क्या बोलो बच्चों, राइट चलिए नेक्स्ट पर आता हूं अगले वाले पॉइंट पर ठीक है तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें ठीक है हाँ एक एक्स्ट्रा बात और बताऊंगा आपको कि जो फोर पॉइंट स्टार्टर होता है ना स्टार्टर को हम वहां भी काम में ले सकते हैं वहां भी काम में ले सकते हैं जहां पर जहां पर फ्लक्स वीकनिंग मेथड कौन सा मेथड बच्चों फ्लक्स वीकनिंग यानी फ्लक्स को कम करके फ्लक्स इन वीकनिंग विधि द्वारा गति नियंत्रित की जाती है समझ गए मेरी बात को बच्चों राइट तो ये अच्छा क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको चार पांच क्वेश्चन एक साथ कराए हैं एक क्वेश्चन नहीं कराए हैं चार पांच करवा दिए ठीक है तो पूरा अच्छे से रिवाइज भी आपका हो गया है और बहुत ही शानदार आपका काम भी हो गया ठीक है यस बिल्कुल सही कह रहे राजेंद्र प्रसाद शंट मोटर लिख देता हूं कंपाउंड में भी काम आता है बिल्कुल आता है कंपाउंड में मैंने बोल दिया था आपके लिए ठीक है बाकी टू पॉइंट डी श्रेणी में काम आता है ठीक है चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले वाले में नंबर भैया किसका बना होता, है? ये तो ही पता होगा ना। बना होता है तांबे का वैसे तो सोने का होना चाहिए है। चांदी का, चांदी का तो प्रतिरोध कम होता है लेकिन चांदी बहुत महंगा पड़ता है तो हम लोग किसको प्रीफर करते हैं तांबे को क्योंकि तांबे का प्रतिरोध क्या होता है तांबे का प्रतिरोध क्या होता है घरेलू के लिए तो हमेशा इसको प्रतिरोध क्या होता है बच्चों कम होता है ठीक है जबकि जो आपकी सिरोपरी लाइन होती है सिरोपरी लाइन होती है सिरोपरी जो लाइन होती है वहां पर एसीएसआर एस आर का यूज करते हैं एल्यूमिनियम के जो कंडक्टर थे स्टील रेनफोर्सिंग होती है उनका प्रयोग करते हे सिरोपरी लाइन में ठीक है बाकी घरेलू जो वायरिंग होती है इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है उसमें तो हम लोग तांबे के तार का ही प्रयोग करते हैं ठीक है थीके? आपको एक खास बात और बता दूं बच्चों तार का जो क्षेत्रफल होता है तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कौन डिसाइड करता है कौन डिसाइड करता है पता है आपको बताऊं कौन डिसाइड करता है तार के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा इसको धारा डिसाइड करती है कौन डिसाइड करती है बच्चों इसको धारा डिसाइड करती है इस बात का आप लोग ध्यान रखें तो मैंने एक साथ आपको तीन चार क्वेश्चन बता दिए हैं ए सी एस आर का बिल्कुल सही है बलजीत आपका आंसर बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार ठीक है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई क्लास को चलो नेक्स्ट नेक्स्ट है बच्चों स्क्वायरल केज मोटर का जो स्पीड है उसकी बात कर रहा है स्क्वायरल केज मतलब समझते हो जैसे गिलहरी का जो पिंजरा पिंजरी जो इंडक्शन मोटर होती है उसकी बात कर रहा है है ना तो डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द रोटर सर्किट स्पीड की बात कर रहा है ना स्पीड को हम लोग कैसे बदल सकते हैं ठीक है थीके? तो डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द रोटर सर्किट आगे क्या कह रहा है द स्टेटर लाइन करंट चेंज अकॉर्डिंग टू इट है ना रोटर परिपथ में प्रतिरोध की धारा पर निर्भर करती है रोटर लाइन धारा के अनुसार परिवर्तित होती है स्टेटर ध्रुव की संख्या को बदलकर बल दल दिया जाता है बिल्कुल सही बात है बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर होती है ठीक है जो स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर होती है यह हमें यह हमें पोल चेंजिंग पोल चेंजिंग स्पीड कंट्रोल नहीं देती है पोल चेंजिंग मतलब बच्चों ध्रुव की संख्या को बदलकर किसको बदलकर बच्चों ध्रुव की संख्या को बदलकर बात समझ गए क्या ठीक है तो ध्रुव की बदल, संख्या को बदलकर हम लोग यहां पर जो स्लिप्रिक इंडक्शन मोटर होती है इसकी गति को नहीं बदल सकते हैं ठीक है दूसरी बात स्क्वायरल केज की खास बात ही यही होती है स्क्वायरल केज जो मोटर होती है इसकी खास बात ही आपकी यही होती है क्या खास बात होती है कि यहाँ पर इस बात का आप लोग ध्यान रखें सुनो बच्चों इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि स्क्वायरल केज जो होती है उसमें हम लोग पोल चेंज करके स्पीड को क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं ठीक है हालांकि इनका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है अगर आपने देखा हो तो स्क्वायरल की जो इंडक्शन मोटर होती है इनका स्टार्टिंग टॉर्क स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर से कम होता है ठीक है तो यहाँ आंसर आपका कौन सा आ जाएगा बच्चों आंसर आपका सी आ जाएगा बात समझ रहे हो क्या बोलो राइट द पॉइंट इज क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों ठीक है नेक्स्ट आएगा आपका थर्टी सेवन नंबर सैतीस नंबर अब सुनो मेरी बात इधर देखो वॉट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ डी सी शंट मोटर इफ इट्स फील्ड इज ओपन ड्यूरिंग ऑपरेशन ठीक है यदि परिचालन के दौरान डीसी शंट मोटर का फील्ड खुला हो तो क्या होगा बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा जो बेकी एम एफ होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है एन पी फाइव जेड अपॉन सिक्सटी ए होता है तो अगर ये सब कॉन्स्टेंट है तो फ्लक्स स्पीड स्पीड आपकी किसके बराबर आ जाएगी ये आएगी ई बी सिक्सटी ए अपॉन पी फाइव जेड तो एन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स आएगा ठीक है तो यहाँ क्या होगा सुनो मेरी बात को कि अगर आप अगर हम फील्ड को क्या करेंगे अगर फील्ड को ओपन करेंगे तो क्या होगा फील्ड को ओपन करेंगे तो क्या होगा बच्चों ओपन करने से फ्लक्स कितना हो जाएगा जीरो तो स्पीड क्या होगी आपकी अनंत हो जाएगी एक बटे जीरो एक बटे जीरो क्या होता है अनंत होता है अनंत का मतलब है उच्च आएगी उच्च अत्यधिक उच्च हो जाएगी और अत्यधिक उच्च इतनी उच्च होगी कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे खतरनाक डेंजरसली हाई स्पीड डेंजरसली हाई स्पीड विल occurs. ठीक है तो इट विल गेट डेंजरसली हाई स्पीड इसमें कौन सी स्पीड आएगी बच्चों हाई स्पीड आएगी डेंजरसली हाई स्पीड आएगी बात समझ गए क्या बोलो बच्चों राइट और ये डैमेज हो जाए मोटर भी डैमेज हो सकती है इतनी हाई स्पीड आएगी कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे तुम लोग ठीक है तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि हम फील्ड को ओपन ना करें अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोविंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज चेंज निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक वोल्टेज चार्ज चार्ज है ना आवेश से सुरक्षा प्रदान करता है बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करें तो हॉर्न गैप जो पावर सिस्टम होता है उसमें एक हॉर्न गैप नाम का चीज आती है ना हॉर्न गेप मतलब इसका क्या होता है हॉर्न नहीं होता है हॉर्न हमारे घरों में आपने अगर देखो ना इस तरीके का हॉर्न होता है ठीक है तो ये गैप होती है हॉर्न की जैसा होता है ये ठीक है इसमें क्या होता है इसका एक जो टर्मिनल होता है वो तो ग्राउंड किया जाता है और दूसरा क्या है उस इक्विपमेंट से उपकरण से जोड़ा जाता है जिस उपकरण को आप सुरक्षित प्रदान यानी सुरक्षित करना चाहते हैं उससे जोड़ते हैं ठीक है थीके? अब सुनो होता क्या है बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना इस बात को ध्यान से सुनो कि यहाँ पर क्या होता है हॉर्न गेप मतलब यहाँ बीच में क्या है एयर होती है ना अब अगर आपका हाई वोल्टेज आएगा उच्च वोल्टता आएगी तो ये जो एयर है ये क्या हो जाएगी आयनिक हो जाएगी आयनीकरण हो जाएगा एयर का क्या हो जाएगा आयनीकरण हो जाएगा और जैसे आयनीकरण होगा लेकिन ये आयनीकरण कब होगा बच्चों उच्च वोल्टता पर आयनीकरण होगा ना तो जब आपका कोई सर्ज आया सर्ज आया तो वो क्या होगा आयनीकरण की वजह से सीधा यहाँ से धरती में बाईपास हो जाएगा और आपका उपकरण क्या होगा बच्चों बच जाएगा ठीक है तो किससे मदद करता है ये अति उच्च वोल्टता से मदद करता है ब्रेथर जो होता है बच्चों तो ट्रांसफार्मर में प्रयोग करते हैं ट्रांसफार्मर में ठीक है सिलिका जेल होता है याद है ब्रेथर जो क्या करता है भाई ब्रेथर में क्या होता है जब आपका ऑयल जो है वो फैलता है या एक्सपेंड होता है या कॉन्ट्रेक्शन होता है सिकुड़ता है ना तो उस केस में क्या होता है हवा को बाहर और अंदर करता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगले पर थर्मल ओवरलोड रिले बच्चों ये ओवरलोड रिले है तो ये अति भार पर ऑपरेट होगी अति भार सुरक्षा देती है ये कौन सी सुरक्षा देती है आपकी अति भार सुरक्षा कंजर्वेटर जो होता है इसमें तो एक्स्ट्रा तेल भरा जाता है एक्स्ट्रा तेल होता है ट्रांसफार्मर का ठीक है एक्स्ट्रा ऑयल भरा जाता है ताकि कमी होने पर जरूरत होने पर इससे ऑयल चला जाए और अगर ज्यादा हो जाए तो वापस रिटर्न इसमें आ जाए ठीक तो है, बच्चों? क्या है और चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर अगला क्वेश्चन जो है बच्चों आपका ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए इसमें मुझे किसी प्रकार के एक्सप्लेनेशन की आपके लिए जरूरत नहीं होनी चाहिए फॉलोविंग इलेक्ट्रोड विच ऑफ द फॉलोविंग इलेक्ट्रोड इज यूज फॉर पाइप अर्थिंग यानी निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग पाइप बच्चों पाइप में तो पाइप ही काम में लेंगे ना यार अगर आप पाइप की अर्थिंग कर रहे हो तो पाइप लेंगे लेकिन पाइप भी कैसा लेते हैं बच्चो जी आई रोड होती है तांबे की नहीं होती जी आई होती है आयरन की होती है ठीक है और आयरन की तो होती है उसमें छिद्रित होती है खोखली होती है खोखली भी होती है और साथ के साथ खोखली मतलब होलो होती है ना खोखली मतलब आपकी होलो भी होती है और उसमें क्या होते हैं ऐसा होल्स भी होते हैं छिद्रित होती है कैसी होती है छिद्रित होती है ठीक है होल्स इसमें बने होते हैं ठीक है तो ये होती है आपकी पाई पर्थिंग इसमें चारों तरफ क्या करते हैं अपन नमक नमक और चारकोल है ना नमक और चारकोल की परत होती है यहाँ पर नमक और चारकोल क्यों होती है नमक और चारकोल ताकि प्रतिरोध को कम किया जा सके प्रतिरोध को कम करने के लिए प्रतिरोध को कम करने के लिए ठीक है 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 तो यहां पर क्या होता आपका कौन सी रोड होती है बच्चों यहां पर खोखली होलो जीआई रोड होती है भी आपका आंसर आएगा बोलो बच्चों राइट तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई गेलमेनाइज आयरन होता है बिल्कुल सही आंसर है विजेंद्र कुमार का एकदम परफेक्ट आंसर है एकदम शानदार आंसर है ठीक है बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका द फंक्शन ऑफ द थर्मोस्टेट इन एन इलेक्ट्रिक ओवन बच्चों कल भी क्वेश्चन आया था ऐसा थर्मोस्टेट का मतलब क्या होता है थर्मोस्टेट का मतलब है वह जो ताप नियंत्रित करता है और मैंने कल आपको बताया था कि यह तापमान नियंत्रित करता है बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है क्या होती है बच्चों बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है कौन सी स्ट्रिप होती है बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है कौन सी स्ट्रिप होती है बाई मेटेलिक ठीक है तो क्या आएगा बच्चों आपका आंसर यह है तापमान नियंत्रण के लिए काम में ली जाती है फ्रीक्वेंसी मीटर नहीं बच्चों आवृत्ति मीटर तो आवृत्ति नापेगा वोल्टता नहीं वोल्ट मीटर वोल्टता किससे नापेंगे वोल्ट मीटर से ठीक है और ये कौन नापता है अपन को शक्ति मापी नापता ठीक है तो तापमान के लिए ये काम में लिया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे बहुत बार पूछा जाता है यस yes. नेक्स्ट अगला जो है बच्चों मैं आपको पहले ही बता दूं ये जो क्लास आपकी चल रही है डेली लाइव नौ बजे रहेगी हम 22 जनवरी 2019 का जो आपका ए एंड टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ था आपका जो पिछली बार ठीक है सी बी के अंदर वो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं ठीक है तो उसके मैं 40 क्वेश्चन करवा चुका हूं एक क्लास कल भी हुई थी जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं ली वो कल वाली क्लास देखें ठीक है उसके अलावा बता दूं हमारा ऑलरेडी एक नया बैच लॉन्च हुआ है बच्चों जो फाउंडेशन बेच है इलेक्ट्रिशियन वायरमैन एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के लिए ठीक है जिसमें आपको क्लास के क्वेश्चन की पीडीएफ बायोलिंगल क्लासेज मिलेगी डिटेल्ड कंटेंट है और बेस्ट न्यूमेरिकल अप्रोच है ठीक है प्राइस जो है अभी बच्चों छः सौ निन्यानवे है ठीक है हाँ एप पर अवेलेबल होगा संतोष गुप्ता आपको एप पर मिल जाएगा थ्योरी की क्लासेस पूरी ठीक है पूरी थ्योरी की क्लासेस मिलेगी शानदार तरीके की ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगले पर ऑलरेडी क्लासेस चल रही है आपकी योगी सर की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की ठीक है सेम फीचर है क्लास और क्वेश्चन की पीडीएफ बायलिंगुअल है कंटेंट है और बेस्ट न्यूमेरिकल आपको अप्रोच है ठीक है चलो सुनो बच्चों अगेन मैं आ जाता हूँ बच्चों फोर्टी नंबर पर क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन पर विच टूल इज यूज फॉर फिनिशिंग राउंड होल बच्चों जो गोलाकार छिद्र होते हैं उनके परीक्षण के लिए किस प्रकार की uh, हम लोग जो है उपकरण का प्रयोग करते हैं बच्चों जो uh, फिनिशिंग का काम करते हैं ना फिनिशिंग के लिए है ना फिनिशिंग के लिए हम लोग फाइल का प्रयोग करते ही है ना तो कौन सी फाइल का प्रयोग करते हैं बच्चों याद रखना हाफ राउंड हाफ राउंड जो फाइल होती है उसका प्रयोग करते हैं हाफ राउंड फाइल का किसका बच्चों हाफ राउंड फाइल का प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग करते हैं बच्चों हाफ राउंड फाइल का हम लोग प्रयोग करते हैं बात समझ गए क्या मेरी बोलो हाफ राउंड फाइल सपाट लोगे तो कैसे करोगे भाई ड्रिल ड्रिल तो मशीन होती है और छेनी छेनी का तो यूज कर ही नहीं सकते यहाँ तो ये भी नहीं आएगा ये भी नहीं आएगा ये भी नहीं आएगा आंसर कौन सा आएगा बच्चों कि कौन सी अर्ध गोलाकार अर्ध गोलाकार इस तरीके की होती है बच्चों अर्ध गोलाकार फाइल जो होती है वो इस तरीके की होती है ठीक है चलो बड़े आगे हाँ हाफ राउंड फाइल का प्रयोग करते हैं बलजीत का आंसर एकदम सही है बहुत ही शानदार बलजीत ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका आता है बयालीस अब सुनो मेरी बात बच्चों 42 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका इसको बड़े ध्यान से सुनना आप लोग ठीक है होता क्या है इन एन इलेक्ट्रिक व्हीकल द स्पीडोमीटर शोज द स्पीड ऑफ द व्हीकल वाइल द स्पीडोमीटर शोज द स्पीड ऑफ द मोटर ठीक है भाई एक इलेक्ट्रिक वाहन में जो स्पीडोमीटर होता है वाहन की चाल को दर्शाता है जबकि मीटर मोटर की चाल को दर्शाता है ना जबकि मोटर में भी मोटर की स्पीड को दिखाता है तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं सुनो बैरोमीटर होता है ना ये वायुमंडलीय दाब दाब है ना के मापन में प्रयोग होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए ठीक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए पहली बात तो ये है तो ये कब से गति बताने लग गया तो बैरोमीटर आपका नहीं आएगा टेकोमीटर होता है ना बच्चों जो टेकोमीटर जानते हो जो कांटेक्ट टाइप होता है हाथ से नापते हैं हाथ से टच करते हैं ये स्पीड नापता है स्पीड नापता है बाकी तो और भी बहुत सारे मेथड है मैग्नेटिक पिकअप मेथड है स्ट्रोबोस्कोपिक मेथड होता है एक बच्चों उसका प्रयोग भी हम लोग गति नापने में करते हैं ठीक है थीके? तो स्पीड नापता है कौन टेको मैग्नेटोमीटर जो है ना बच्चों ये क्या करता है चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा परिमाण बताता है ठीक है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड को बताता है बात समझ गए ना एक होता है बच्चों अल्टी मीटर अल्टीमीटर जो होता है ना बच्चों ये एरोप्लेन में एरोप्लेन के अल्टीट्यूड 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 यानी ऊंचाई ठीक है अल्टीट्यूड मतलब ये ऊंचाई को दिखाता है ठीक है बच्चों अल्टीट्यूड यानी ये या आपको ऊंचाई को दिखाता है समझ गए तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया अब आपसे तो गति पूछा है ना बच्चों तो गति के लिए तो हम लोग किसकी बात करेंगे टेको मीटर की बात करेंगे समझ गए ना अरे बोलो बात समझ चुके हो क्या बोलो बच्चों राइट चलो आगे बढ़े अगले वाले क्वेश्चन पर आते ठीक है तो मैंने आपको सारे बता दिए अब अगली बार आ जाए ना बेरोमीटर का प्रयोग क्या क्यों करते हैं लिए मैग्नेटोमीटर का क्या करता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिमाण बताता है अल्टीमीटर का प्रयोग क्यों करते हैं एरोप्लेन के अल्टीट्यूड को अल्टीट्यूड मतलब उसकी ऊंचाई को दिखाता है ठीक है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों देर इज अर इज अ बैटरी चार्जर बैटरी का जो चार्जर होता है बच्चों आपको पता होना चाहिए बैटरी जो काम करती है वो बैटरी डीसी पर काम करती है है ना तो बैटरी को चार्ज करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा ए को डी बनाना पड़ेगा और यह काम कौन करता है बच्चों आपका कौन काम करता है ये दिष्टकारी करता है कौन करता है दिष्टकारी तो यहां पर कौन सा आंसर आ जाएगा ए अगर मैं आपको बता दूं बच्चों साइक्लो कन्वर्टर सुनो मेरी बात को साइक्लो कन्वर्टर जो है ना सुनो साइक्लो कन्वर्टर जो है ना साइक्लो कन्वर्टर ये क्या करता है ये आवृत्ति परिवर्तित करता है आवृत्ति परिवर्तित करता है इसका काम होता है आवृत्ति को परिवर्तित करना ठीक है कन्वर्टर भी एक प्रकार का दिष्टकारी ही होता है लेकिन कन्वर्टर में तो फिर और चीजें भी आ गई कन्वर्जन हो गया ठीक है चौपर चौपर क्या करता है बच्चों आपका चॉपर जो होता है ना फिक्स्ड डीसी को यानी स्थिर जो डीसी है नियत डीसी फिक्स्ड की जगह नियत लिख दो आप नियत जो डीसी होती है ना उसको वेरिएबल डीसी वेरिएबल डीसी मतलब चर डीसी में परिवर्तित करता है किस में परिवर्तित करता है बच्चों चर डीसी यानी वेरिएबल डीसी में परिवर्तित करता है तो मैंने सारे ऑप्शन बता दिए आपको ठीक है तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें एक इन्वर्टर होता है बच्चों इन्वर्टर सुना नाम आप लोगों ने इन्वर्टर इन्वर्टर क्या करता है इन्वर्टर क्या करता है डीसी को एसी बनाता है ठीक है तो ये सारी बातें याद रखना अगली बार ये क्वेश्चन आ सकता है कुछ और भी पूछ सकता है ठीक है तो हमने एक साथ तीन चार चीजें देख लिए बच्चों ठीक है हाँ साइक्लो कन्वर्टर जो कह रहा है राजेंद्र प्रसाद ने जो बोला बिल्कुल सही बात है कि आवृत्ति परिवर्तित करता है यानी यह फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी बोल दो लेकिन फ्रिक्वेंसी चेंज करता है ठीक है ऐसे तो एसी वोल्टेज कंट्रोलर जो होता है ना एसी वोल्टेज कंट्रोलर वो फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी वो भी कन्वर्ट करता है तो फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी तो आपका वो भी कन्वर्ट कर देता है एसी वोल्टेज कंट्रोलर तो यहां मेन जो अपन बोलेंगे ना कि ये आवृत्ति को परिवर्तित करता है इसका मेन फंक्शन यही है बाकी आवृत्ति बदल गई तो वो तो आपका आउटपुट तो बदल ही गया ना ठीक है राजेंद्र चलिए बहुत बढ़िया राजेंद्र प्रसाद बहुत शानदार ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों 44 नंबर पर 44 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका बच्चों ये क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू बच्चों ये तो बहुत आसान है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तो सुनो बच्चों जो डायनेमो होता है ना ये तो यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बनाता है यांत्रिक को क्या बनाता है विद्युत ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है ठीक है तुल्यकालिक मोटर मोटर क्या करती है बच्चों विद्युत ऊर्जा को विद्युत को क्या बनाती है विद्युत ऊर्जा को आपकी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है अब सुनो विद्युत मतलब कौन सी है बच्चों इलेक्ट्रिकल है ठीक है और ये आपकी कौन सी आ जाएगी मैकेनिकल ठीक है एस एम पी एस एस एम पी एस का फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ ठीक है ये आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है स्विच्ड मोड स्विच्ड मोड पावर सप्लाई पावर सप्लाई ठीक है और इसमें हम लोग है ना मोसफेट का प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग करते हैं मोसफेट का प्रयोग करते हैं हाईएस्ट स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है इसमें हाईएस्ट स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट स्विचिंग फ्रीक्वेंसी मतलब बच्चों मैक्सिमम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ठीक है और यूपीएस क्या होता है बच्चों आपका पावर सप्लाई ये है बात समझ गए मेरी बात को बच्चों राइट तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी तो यहां पर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है बच्चों केवल मोटर कन्वर्ट करती है सोनू कुमार कह रहे हैं सर जी ये क्लास आपकी कितने दिनों से चल रही है सोनू ये डेली चलती है अपनी क्लास शाम को नौ बजे है ना रात में नौ बजे चालू हो जाती है ठीक है हाँ स्विच मोड पावर सप्लाई तो चारों ऑप्शन मैंने करवा दिए अब इससे बाहर क्या पूछेगा यार है? इससे बाहर क्या पूछ सकता है कोई भी ठीक है अगले क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चे अगला क्वेश्चन भी शानदार है बच्चों बहुत ही शानदार जानदार और जबरदस्त वाला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिक्वायर्ड इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट वोल्टेज फॉर अ डिवाइस कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एट अ मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ 600 वोल्ट 600 वोल्ट के अधिकतम वोल्टेज पर संचालित किए जा सकने वाले उपकरण के लिए आवश्यक विद्युत रोधन प्रतिरोध परीक्षण वोल्टेज कितना होना चाहिए बच्चों सुनो मेरी बात जब विद्युत रोधी का परीक्षण करते हो ना तो हम लोग क्या करते हैं जैसे मान लो ये आपका विद्युत रोधी है ये आपका विद्युत रोधी है ठीक है अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना ये विद्युत रोधी है और ये विद्युत रोधी कितने वोल्ट का है छः सौ वोल्ट इसका रेटेड है छः सौ वोल्ट इसका रेटेड है तो हम लोग इसका प्रतिरोध नापेंगे तो यहाँ तो सप्लाई तो देंगे ना यार सप्लाई के बिना कैसे नाप लोगे ठीक है यहाँ हम लोग वोल्ट मीटर भी लगाते हैं यहाँ हम लोग अमीटर भी लगाते हैं वोल्टता और धारा नापते हैं तो यहाँ क्या वोल्टता लगानी पड़ेगी अब एक बात बताओ 600 वोल्ट का तो ये ऑलरेडी है तो यहाँ जो अपन वोल्टता देंगे भाई वो वोल्टता तो दे कि यहां पर क्या हो इस तरीके से धारा प्रवाहित तो हो कम से कम जब धारा ही प्रवाहित नहीं होगी तो रीडिंग कहाँ से आएगी अब धारा कब प्रवाहित होगी धारा हमेशा उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की तरफ जाती है तो यहाँ अपन को जब यहाँ 600 वोल्टेज का रेटेड तो यहाँ जो हम लोग अप्लाई करेंगे वो 600 से ज्यादा करेंगे तभी तो धारा प्रवाहित होगी अन्यथा धारा आपकी प्रवाहित नहीं होगी अगर आपने यहाँ 600 वोल्ट का इंसुलेटर लिया है तो आपको सप्लाई वोल्टेज 600 से ज़्यादा देना ही पड़ेगा तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगी और आप यहाँ देखिए 600 से ज़्यादा ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है आंसर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा बात समझ गए क्या बच्चों बोलो मेरे भाई बोलो दूसरी क्लास चल रही है आज आप अभी यूट्यूब चैनल पर देखना पहली क्लास भी आपको मिल जाएगी ठीक है बच्चों चलिए ठीक है मेगर का प्रयोग करते हैं विद्युत रोधन के लिए विद्युत रोधन के लिए जो है ना मेगर का प्रयोग करते हैं मापन के लिए है ना मेगर और मेगर जो होता है उसमें एक परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर होता है कौन सा जनरेटर होता है परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर होता है जो 160 आरपीएम पर चलता समझ गए मेरी बात को बोलो तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको एकदम शानदार समझ में आ ही गया होगा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों यहाँ क्या कह रहा है सुनो इस क्वेश्चन को भी सुनो इसमें क्या कह रहा है हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड वैन अ टू किलो वाट मोटर विद एट्टी परसेंट एफिशेंसी इज रन एट मैक्सिमम लोड फॉर पांच घंटे एक अस्सी प्रतिशत दक्षता वाली दक्षता क्या होती है बच्चों दक्षता का सूत्र क्या होता है आपका दक्षता जो होती है वो आउटपुट बटे इनपुट होती है ठीक है तो यहाँ पर आउटपुट गुणा सौ होता है है ना तो अगर मैं आपसे पूछूँ आउटपुट कितना आएगा तो आप कहोगे दक्षता गुणा इनपुट बटे सो आएगा ठीक है अब सुनो यहाँ क्या कह रहा है कि पाँच दो किलोवाट की मोटर है आपकी तो आउटपुट पावर क्या आएगी आपकी पावर आउटपुट जो आएगा आपका 80 प्रतिशत दक्षिता है तो 80 बटे 100 गुणा ठीक है इनपुट पावर इनपुट कितना है दो किलोवाट ठीक है तो ये कट गया तो पावर आउटपुट तो कितना है जीरो पॉइंट आठ गुणा दो किलो वाट तो कितना आएगा एक पॉइंट छ किलो वाट लेकिन आपसे तो कितनी ऊर्जा बोल रहा है ऊर्जा ऊर्जा तो क्या होती है किलोवाट आवर होती है ऊर्जा क्या होती है किलोवाट होती है है ना किलोवाट आवर तो आपकी ऊर्जा की रूप में अगर मैं लिखू नोट तो ऊर्जा क्या होती है पावर आउटपुट गुणा टाइम होती है ठीक है तो एक पॉइंट छः किलो वाट गुणा कितने घंटे हैं बच्चों पांच घंटे तो कितना आ जाएगा आठ किलो वाट आवर आ जाएगा ठीक है तो कितना कितना खपत होगा ऊर्जा आठ किलो वाट आवर होगा ठीक है चलिए सर प्ले बना दीजिए ठीक है एक बच्चा कह रहा सर ऐप में कब से वीडियो मिलेगा बिल्कुल मिलना एप पर तो थ्योरी की क्लास चली रही है आपकी ठीक है थ्योरी क्लासेस क्लासेज आपको ऐप पर मिल जाएगी एप डाउनलोड कर लो आप माई पाठशाला का एप आप जरूर डाउनलोड करें ठीक है बच्चों चलिए तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका द बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है अच्छा न्यूमेरिकल था बहुत ही बढ़िया था अगला क्वेश्चन अच्छा एक बात और बता देता हूँ बच्चों यहाँ एक बात और बता देता हूँ एक किलोवाट आवर जो होता है ना बच्चों उसमें तीन इंटू थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी पावर सिक्स जूल के बराबर होता है एक किलोवाट आवर जो होता है ना बच्चों एक किलोवाट आवर जो होता है ना आपका वो तीन पॉइंट छः गुणा दस की घाट छूल के बराबर होता है बहुत पूछता है बच्चों इस बात को आप लोग ध्यान रखें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर अगला क्वेश्चन हाउ मेनी डायोड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ फुल वेव रेक्टिफायर फ्रॉम क्या फ्रॉम सेंटर टेप्ड ट्रांसफॉर्मर बच्चों में आपको एक बात बता दू दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं ना एक होता है center और एक होता है ब्रिज टाइप कौन सा होता है ब्रिज टाइप ठीक है है ना फुल, फुल ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी होते हैं दोनों कौन से होता है आपके पूर्ण तरंग सेंटर टेप जो होता है ना इसमें तो इतने अपन को ऐसा डायोड लगाते हैं हम लोग आप लोगों को थ्योरी की जो क्लास होती है ना उसमें पढ़ाते भी हैं हम लोग ये ठीक है थीके? इस तरीके से तो इसमें कितने डायोड की आवश्यकता होती है अपन को दो डायोड डायोड वन और डायोड दो जबकि ये जो ब्रिज टाइप होता है ना ब्रिज टाइप में हमें चार डायोड की आवश्यकता होती है कितने डायोड की आवश्यकता होती है बच्चों चार डायोड की यहाँ लोड लगाऊंगा और यहाँ हम लोग सोर्स लगाते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ एक दो तीन और चार तो इसमें तो दो डायोड चाहिए पूछा कौन सा है सेंटर टेप तो दो डायोड हो जाएंगे ठीक है जबकि दक्षता जो होती है ना इसकी चालीस पॉइंट छ का चालीस पॉइंट छः होती है आपकी प्रतिशत किसकी अर्ध तरंग वाले की ये अर्ध तरंग वाले की है अर्ध वाले की एफिशिएंसी उसका डबल हो जाएगा तो बारह इक्यासी पॉइंट दो प्रतिशत चालीस पॉइंट छ प्रतिशत अर्ध तरंग दृष्टकारी की होती है और पूर्ण तरंग दृष्टकारी की आपकी इक्यासी पॉइंट दो प्रतिशत होती है समझ गए क्या समझ गए मेरी बात को बोलो बच्चों, राइट तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें, बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन ठीक है अगला नेक्स्ट है बच्चों ट्रिकल चार्जिंग बच्चों बैटरी होती है ना बैटरी आपकी बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग की बात कर रहा है ट्रिकल चार्जिंग में हम लोग क्या करते हैं है? क्या करते हैं ट्रिकल चार्जिंग में ट्रिकल चार्जिंग में कम धारा पर कम धारा पर लंबे समय तक चार्ज करते हैं लंबे समय तक चार्ज करते हैं ठीक है अब सुनो मेरी बात को एक बात और मैं आपको बता दूं एक जो खास बात है कितनी धारा देते हैं अपन लगभग दो प्रतिशत से पांच प्रतिशत धारा कितने का रेटेड का रेटेड का दो से पांच प्रति, उससे क्या होता है बच्चों जैसे बैटरी है अब बैटरी में क्या होता है वो क्या है कि समय के साथ साथ क्या हो जाती है बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ठीक है समय के साथ साथ क्या हो जाती है डिस्चार्ज हो जाती है तो अब क्या होता है कि यार अगर आप उसको क्या है कि बैटरी रखी है अब रखे रखे तो डिस्चार्ज हो जाएगी तो आप उसकी ट्रिकल चार्जिंग में लगा दो भले आप उसको एक महीने पड़े रहने दो दो महीने पड़े रहने दो तो कोई दिक्कत नहीं ट्रिकल चार्जिंग में क्या होगा थोड़ी थोड़ी करंट जाती रहेगी तो वो जो लॉस हो रहे ना उसमें उन लॉस को वो कंपनसेट करती रहेगी तो हमेशा आपकी बैटरी फुल की फुल मिलेगी तो बैटरी आपकी क्या मिलेगी आपको तरोताज़ा तरोताज़ा मिलेगी ठीक है बैटरी का जो उपयोग की अवधि है उपयोग अवधि क्या हो जाएगी बच्चों बढ़ जाएगी उपयोग अवधि क्या होगी इंक्रीज हो जाती है बढ़ जाती है तो तरोताजा रहती है और उसकी उपयोग अवधि क्या हो जाती है बढ़ जाती है क्योंकि लॉसेज नहीं होंगे तो फुल चार्ज रहेगी तो ट्रिकल चार्जिंग का ये अच्छा सा कंसेप्ट है तो क्या इनक्रीज इट्स प्रोटेक्टिव कैपेसिटी इसकी संरक्षित क्षमता नहीं भैया क्षमता तो जो है वही रहेगी ना वो कैसे बढ़ जाएगी ऐसे तो जादू हो जाता बढ़ जाती तो है ना फिर तो ट्रिकल चार्जिंग करो और एक जो मान लो कि 12 वोल्ट की बैटरी है तो 20 वोल्ट की बन गई चार्ज करते ऐसा थोड़ी होता है मेंटेनिंग प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट लेवल नहीं इन प्रोवेंटिंग सल्फेशन क्या एक्सटेंशिंग द बैटरी लाइफ उपयोग अवधि यूजेबल टाइम या इसी को तरोताजा भी बोल दो आप लोग है ना समझ गए मेरी बात ये बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है भाई ठीक है बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चों बहुत फेमस क्वेश्चन है ठीक है चलिए बच्चों वैकेंसी का इंतजार मत करो ऐप डाउनलोड करो कोर्स को क्लास स्टार्ट कर दो क्योंकि वैकेंसी जब भी आएगी टाइम आपको फिर उतना नहीं दे पाएगी ठीक है पढ़ना भी आपको बहुत कुछ है वाट इज द लोवेस्ट मीटर प्रॉप सुबल फॉर मेजरिंग ढाई सौ वोल्ट डी यूजिंग अ सी ऑफ इनपुट कैपेसिटी ऑफ तीस वोल्ट तीस वोल्ट की इनपुट क्षमता वाले सी का उपयोग करके ढाई वोल्ट डी मापने के लिए प्रयुक्त न्यूनतम मापी की जांच करिए बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं जो शिणक गुणांक होता है शिणक गुणांक जिसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट क्या बोलते हैं फैक्टर है ना ये क्या होता है आपका के इसको अपन के से लिखते हैं ये होता है इनपुट वोल्टता बटे आउटपुट वोल्टता ठीक है और के का मान हमेशा एक से ज्यादा होता है यानी इनपुट वोल्टता हमेशा आउटपुट से ज्यादा होती है कम करने का काम करता है तो पहले तो यहां एक तो तीस है और एक ढाई सौ वोल्ट है तो इनपुट कितना है आपका इनपुट हमेशा ज़्यादा वाला रहेगा तो हम लोग देना चाहते हैं ढाई सौ वोल्ट लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमें मिले कितना तीस वोल्ट भाई तभी तो अपन तीस वोल्ट का नाप पाएंगे ढाई सौ ढाई सौ को तीस बनाना है तो भैया कितना के चाहिए के का मान आएगा दो सौ पचास बटे तीन तो तीन ओटे चौबीस तीन तीन नौ तो के का मान कितना जाएगा आठ पॉइंट तीन तो लगभग आपको आठ पॉइंट तीन या आठ पॉइंट तीन से ज़्यादा मान का ठीक है तो यहाँ पर कौन सा वाला मिलेगा आपको दस मान का अगर आप दस मान का ले लेते हो ना तो सुनो कि अगर दस ले लेते हो तो ये इनपुट कितना है इनपुट है ढाई सौ ठीक है और आउटपुट कितना है आपका भाई इनपुट तो कुछ मान लेता हूं मैं ए, वी आई और ये तीस है तो कितना नाप सकते हो आप अगर दस वाला दोगे तो आप तीन सौ वोल्ट नाप सकते हो अगर आप 10 का के का मान 10 ले लिए तो आप इससे 300 वोल्ट तक नाप सकते हो और अपन 250 ही तो नाप रहे हैं तो 300 सौ तो जब 300 सौ नप रहा है तो 250 तो अपने आप नप जाएगा अगर आप एक लोगे तो 30 ही नपेगा तो एक भी नहीं ले सकते इससे तो आपका भैया कितना 30 का तीन तीन हजार वोल्ट नपेगा तीन हजार थोड़ी ना अपना ना अपना ढाई है ये भी नहीं लेंगे इसी में काम हो जाएगा आपका समझ गए मेरी बात को अरे बोलो द पॉइंट इज ओके चलो आगे बढ़े बच्चों अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है आपका इफ द रेजिस्टेंस एंड इंपीडेंस ऑफ द सर्किट आर टेन ऑम्स ईच देन इट्स पावर फैक्टर बच्चों दोनों यानी कोई इंपीडेंस है उसमें आर प्लस जे एक्स ठीक है यदि परिपथ का प्रतिरोध और प्रति बाधा दस ओम प्रत्येक है तो इसका शक्ति कारक होगा यानी आपको आर भी यहां पर दस ओम दिया है और Z भी यहाँ पर 10 ओम दिया है तो मुझे एक बात बताओ यहां तो Z और R दोनों बराबर हो गए ठीक है दोनों का परिमाण बराबर हो गया अब दोनों के परिमाण अगर बराबर हैं तो ये आपका बना अंडरवुड का आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर जेड का जेड है ना तो अंडरवुड में दस का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर दस तो एक्स का मान कितना आया एक्स का मान जीरो आया तो पावर फैक्टर वाला कोण निकाल लो टेन थीटा टेन थीटा या कोस थीटा ही निकाल लो पावर फैक्टर आर बटे जेड होता है आर बटे जेड होता है तो कोस थीटा आर और जेड दोनों बराबर ही हो गए ना आपके तो? तो कितना आ जाएगा पावर फैक्टर आपका इकाई आ जाएगा तो पावर फैक्टर कितना होगा है बच्चों इकाई होगा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर लो ना सूत्र लगा के ऐसे भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है केवल प्रतिरोध रहेगा तो यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा केवल प्रतिरोध रहेगा तो आपका यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा समझ गए बच्चों ठीक है तो आसान क्वेश्चन था आंसर डी आएगा ना कि ए ठीक है बलजीत भाई बलजीत का आंसर गलत है अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका इक्यावन नंबर का सुनो वाट इज द वैल्यू शोन बाय द वोल्ट मीटर शोन इन द फिगर बिलो नीचे दिए गए चित्र में दर्शाए गए वोल्ट मीटर का प्रदर्शित मान क्या होगा बच्चों वोल्ट मीटर का पाठ्यांक पूछ रहा आपसे तो आप दो बातें याद रखना कि वोल्ट का जो पाठ्यांक होता है ना वोल्ट मीटर के सापेक्ष वोल्टता होती है सीधी सी बातें क्या होता है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक वोल्ट मीटर के सापेक्ष वोल्टता होती है तो इसके सापेक्ष वोल्टता निकाल लो वी ठीक है ये चार किलो है और ये आपका एक किलो है और यहाँ पर ने पाँच वोल्ट दिया तो आप वी का मान निकाल लो वोल्टता पतन का नियम लगा के कितना आएगा पाँच गुणा एक बटे चार प्लस एक तो कितना आया पाँच गुणा एक बटे पाँच कितना आएगा बच्चों एक वोल्ट आ जाएगा तो आंसर कौन सा आ जाएगा आपका बी वाला आ जाएगा सीमत निकालना सी तो धारा है ठीक है बोलो तो एक वोल्ट आंसर आ जाएगा तो एक बात ध्यान रखना बच्चों कि वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होता है ना वोल्ट मीटर के सापेक्ष वोल्टता होती है और अमीटर का पाठ्यांक क्या होती है अमीटर में जाने वाली धारा होती है अगर अमीटर होता है तो अमीटर में जाने वाली धारा निकाल दो तुम तो ठीक है अगर अमीटर में जाने वाली धारा निकाल दी तो अमीटर का पाठ्यांक आ हाँ गया आपका ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में बच्चों ये कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चों बच्चो ये ठीक है द टाइप ऑफ ज्वाइंट बच्चों ये रेट टेल ही है रेट मतलब चूहा चूहे की पूंछ के जैसा ही तो ही है ये ठीक है चूहे की पूंछ जैसा ठीक है तो रेट टेल एक ब्रिटानिया होता है बच्चों ब्रिटानिया जो होता है ना ये ट्रांसमिशन लाइन में काम में लेते हैं इस तरीके से जैसे ये एक तार है ठीक है ये एक तार है और ये मान लो दूसरा तार है ये ब्रिटानिया बता रहा हूं आपको मैं ठीक है ये लो अब अपन क्या करते हैं ब्रिटानिया में फिर यहां पर इस तरीके से इनको जोड़ देते हैं ये तो ये कहां पर काम में लेते हैं अपन सिरो परी लाइन में ये सिरो परी लाइन में काम में लिया जाता है सिरो परी

ये एक तार लिया ठीक है और एक तार ऐसा लेते हैं दो तार हो गए ना अलग अलग इस तरीके से ये आपका स्पार्ट स्काफ्ट जॉइंट होता है ठीक है तो मैंने सारे जॉइंट आपको बता दिए चारों एक साथ ठीक है ब्रिटानिया का यूज कहां करते अपन है हैं पर ही लाइन में करते हैं बताओ बच्चों ठीक है तो यहां पर रेड टेल बहुत फेमस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईटीआई में तो सबसे ज्यादा पूछता है ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है बच्चों ठीक है चलो अगला क्वेश्चन है इंड्यूस्ड लो वोल्टेज इन मेटेलिक इक्विपमेंट विच कॉजे स्लो इलेक्ट्रिक शॉक कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग धातु के उपकरणों में प्रेरित निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युतीय झटका लगता है का उपयोग से रोका जा सकता है आपने देखा होगा बच्चों अपन कभी कभी कुर्सी पर बैठे बैठे खड़े होते हैं हाथ लगाते हैं कहीं तो झटका लगता है क्यों क्योंकि हमारे शरीर में चार्ज आ जाता है तो वो धरती में जाना चाहता है इसलिए झटका लगता है तो अगर, अगर अपन पहले ही उसको धरती में भेज दें तो अपन को झटका नहीं लगेगा तो हम लोग क्या करते हैं धरती यानी अर्थिंग का प्रयोग करते हैं अर्थिंग यानी भू संपर्कन का प्रयोग करते हैं ठीक है थीके? और ये इसका जो तार होता है वो किसका बना होता है हरे कलर का हरे हरे रंग का तार होता है ठीक है और आपने देखा होगा इस तरीके से जो होता है ना कोई भी वो थ्री पिन देखा आपने थ्री पिन प्लग ऐसा होता है तो ये आपका अर्थ होता है ये आपका फेज होता है और ये आपका न्यूट्रल होता है तो ये मोटा क्यों होता है ताकि इसका प्रतिरोध कम रहे मोटा इसलिए होता है मोटा होता है क्यों मोटा होता है ताकि प्रतिरोध क्या रहे बच्चों कम रहे प्रतिरोध कम रहेगा तो अधिकतम धारा इसमें से प्रवाहित हो जाएगी और अधिकतम धारा जाएगी तो हमारी सेफ्टी रहेगी समझ गए मेरी बात को बिल्कुल सही है राजेंद्र प्रा इस बार तो बन गए भैया ए तुम्हारे आंसर सारे सही आ रहे हैं और क्लास में भी मज़ा आ रहा होगा तुमको राइट क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ चार चार ऑप्शन करा रहा हूँ तुम्हें ठीक है न्यूट्रल का भी नहीं होता है इंसुलेटेड शूज से ठीक है प्रोटेक्शन मिल सकता है लेकिन हमेशा नहीं मिलेगा ठीक है फेज लाइन नहीं अर्थिंग अर्थिंग जो है सबसे बेस्ट तरीका है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन अगला कह रहा है बच्चों अकॉर्डिंग टू आई एस आई वाट शुड बी द इंसुलेशन रजिस्टेंस बिटवीन द बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक वाटर हीटर बच्चों इंसुलेशन का रजिस्टेंस हमेशा अत्यधिक उच्च होना चाहिए कैसा होना चाहिए अत्यधिक उच्च होना चाहिए अत्यधिक उच्च मतलब मेगा ओम में ठीक है अब इनमें सबसे उच्च मान जो रहे ना वो टिक करना हमेशा तो एक मेगा ओम है तो एक मेगा ओम टिक करना अगर यहाँ पर डेढ़ मेगा ओम होता ऑप्शन में अत्यधिक उच्च सबसे बड़ा वाला टिक करना हमेशा सबसे बड़ा वाला हमेशा टिक करना है ठीक है समझ गए चलिए अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है बच्चों आखिरी क्वेश्चन है आज का बाकी हम लोग जो है फिर बाकी के कल करेंगे शाम को नौ बजे वाट आर द इंसुलेटर सर्किल्स यूज फॉर पोल्स यूज इन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेड ऑफ ठीक है इंसुलेशन जो होते हैं ना इंसुलेशन जो यूज में लेते हैं वो किसके बने होते हैं बच्चों सेरेमिक के होते हैं टफन टफन जो ग्लास होता है उसके बने होते हैं ठीक है इपॉक्सी नहीं होता है सेरेमिक होता है कार्बन नहीं होता है बैकलाइट नहीं होता है तो इंसुलेटर किसके होते हैं पोर्सिलिन के भी होते हैं पोर्सिलिन के भी होते पोर्सिल मतलब चीनी मिट्टी के भी ठीक है तो बच्चों आज की जो क्लास है हमारी उसका आज की क्लास होती है ख़त्म ठीक है बच्चों तो अब अपन मिलेंगे कल बात समझ गए ना तो नौ नौ बजे से चालू की थी और अब दस बजे तक क्लास है और कल बच्चों शाम को इसी टाइम पर मैं आपके साथ वापस लाइव आऊँगा ठीक है तो हम मिलते हैं कल कितनी बजे शाम को नौ बजे बाकी मज़ा आया होगा आपको क्लास लेकर के तो धन्यवाद सभी बच्चों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद